बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति उत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान हजारों लोगों ने माता मूर्ति के मंदिर में दर्शन किए। धार्मिक परंपरा अनुसार मंगलवार को सुबह 10 बजकर बद्रीनाथ मंदिर प्रांगण में माता मूर्ति प्रस्थान की तैयारियां शुरू हुई। अभिषेक पूजा बाल भोग के बाद समारोह पूर्वक सेना के बैंड के साथ भगवान बद्री विशाल स्वरूप उद्धव जी ने देव डोली में बैठकर माता मूर्ति को प्रस्थान किया। साथ ही बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी और अन्य लोगों ने भी माता मूर्ति के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। भगवान के सकल प्रतिनिधित्व उद्धव जी ने बद्रीनाथ मंदिर की माता मूर्ति को मिलने के लिए पहुंचे। मेले के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मंदिर बंद रहा। 3 बजे उद्धव जी की डोली में बैठकर समारोह के साथ श्री बद्रीनाथ धाम को वापस आए। मंदिर पहुंचकर बद्रीनाथ मंदिर गर्भगृह में विराजमान हुए। इसी के साथ माता मूर्ति मेले का समापन हो गया। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। बद्रीनाथ से अजय कृष्णा मेहता की रिपोर्ट। हम बहुत बढ़िया लग रहे हैं। इसी बच्चों के लिए हम आए हैं, आंध्रा से आए, बहुत अच्छा लगा है। आज बामन दासी है। सोलायाम शरण द्वादश्याम मूर्ते विदुपे प्रभु आज ही और श्रवण नक्षत्र संयोग में द्वादशी के दिन और भगवान बामन का प्रादुर्भाव भी हुआ था और यहाँ पर माता मूर्ति के पास भगवान बद्री विशाल और आज माता को मिलने के लिए आ जाते हैं, जो कि आज बावन द्वादशी के शुभ अवसर पर भगवान बद्री विशाल माता मूर्ति मंदिर में अपनी माता से मिलने के लिए आए हैं और इस शुभ अवसर पर माता मूर्ति मंदिर में पधारे सभी श्रद्धालुओं का मैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।